जितने भी हमारे भाई हैं और हमारी महिलाएं हैं, आप सबसे मेरा परिचय करवाया, आप सबसे मिलने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं इस पूरी संस्था के संयोजकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब जानते हैं कि हम आप इतने भारी तादाद में आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे होंगे, भारी संख्या में आप सब यहाँ पहुंचे हैं, तो हम सब किसी मकसद के लिए पहुंचे हैं। ये जो संस्था भी है इनके बारे में मैं जान रही थी, तो चूंकि बहुत प्रसन्नता हुई कि महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही शानदार काम ये संस्था करती है। मैं समझती हूँ कि ये आज के समय की पुकार है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, यदि एक भी पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। इसीलिए महिलाओं के साथ सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको अपने हक समझने चाहिए। आप ऐसे जो समाज सेवा के लिए मशहूर होते हैं, बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हो, भाग लेते हो, लेकिन आपको समझना भी चाहिए कि ये सब चीजें हैं क्या। महिलाओं को भी आगे बढ़कर आना चाहिए। आप सब अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि काम आना जरूरी है, या कभी अपनी बेटियों को कहते हैं कि कमाना भी जरूरी है। यदि हमारी बेटियां कमाएगी तभी वो आत्मनिर्भर बनेगी, और जरूरी नहीं कि सभी बेटियां हमारे कोई डॉक्टर ही बने, उनको खाना बनाना भी आता है, सिलाई करनी भी आती है, छोटे छोटे जो भी वो काम घर के अंदर करती है उन्हीं कामों को उन्हीं कौशल को वो अपनी जीवन रेखा भी बना सकती है यदि वो घर से बाहर निकल